दोस्तों Xiaomi ने अपनी 14 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Pro फोन देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम Xiaomi 14 Pro फोन की अनबॉक्सिंग देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कब ये इंडिया में लॉन्च होगा और इसकी इंडिया में क्या प्राइस रह सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे, टॉप पे रखा हुआ मिल जाएगा आपको एक बॉक्स, देन आपको मिल जाता है डिवाइस, उसके नीचे आपको मिल जाता है 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर और उसके साथ में आपको मिल जाती है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल। तो कुछ इस तरह का आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। अगर इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि देखने में प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल डिजाइन दिया गया है, ऊपर की साइड आपको स्क्वायर कट कैमरा फ्रेम देखने को मिल जाता है, वहीं आपको नीचे की साइड Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, वहीं जो इसकी साइड है वो आपको टाइटेनियम की देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड से आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिजाइन एंड लुक के मामले में तो ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.73 इंच की एमोलेड कर्व डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको 68 बिलियन कलर्स HDR10+ और 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो बेजल्स और चिंता आपको इस फोन के अंदर काफी कम देखने को मिल जाएंगे और इस फोन के अंदर आपका यूजर एक्सपीरियंस भी काफी बेस्ट रहने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर अभी तक की सबसे लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट का यूज किया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये काफी फास्ट प्रोसेसर है, जहां पर आप अपने डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क बिल्कुल इजीली कर पाओगे। उसके साथ में ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर इसके एंटीटू स्कोर की बात करें तो वो आपको 2 मिलियन से ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ा है। इसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आपकी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और स्क्रॉलिंग काफी फास्ट होने वाली है। ये फोन आपको 4 कलर में देखने को मिल सकता है, ब्लैक, व्हाइट, टाइटेनियम और ग्रीन कलर। कैमरा की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS सपोर्ट और इसके अंदर लाइट हंटर 900 सेंसर का यूज किया गया है, जो कि आपकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। उसके साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा विद OIS सपोर्ट और इसके अंदर आपको सैमसंग का JN1 सेंसर देखने को मिल जाएगा और लास्ट कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद OIS सपोर्ट। वहीं इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है और इस फोन के अंदर आप 8K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा लवर्स के लिए ये फोन काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी बेस्ट कैमरा दिया गया है। इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, GPS और NFC जैसे सारे फीचर्स दिए गए हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पर IP68 की रेटिंग मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये फोन डस्ट और वाटरप्रूफ भी रहने वाला है। बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 4880mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि 100% आपका फोन 18 मिनट में चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फोन के प्राइस एंड लॉन्च रेट की। तो इस फोन को चाइना के अंदर 56,000 रुपीस के अप्रोक्स लॉन्च किया गया है, पर जब ये फोन इंडिया के अंदर आएगा तो GST और टैक्स जोड़ने के बाद ये फोन आपको इंडिया में 63,000 से 65,000 रुपीस के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। और ये फोन जैसा कि अभी 1-2 दिन पहले ही चाइना में लॉन्च हुआ है, तो अभी 2 या 3 महीने बाद आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट Xiaomi 14 Pro फोन के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपको इस फोन के अंदर कौन सा फीचर पसंद आया या फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।